नमस्कार, सुबह सुबह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। रुक करते हैं खबरों की ओर। आम बजट आज 11 बजे संसद में पेश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। कोरोना के दौर में सरकार इसमें धनी वर्ग की आय पर कोविड सेस लगा सकती है, जिससे कोरोना दौर में हुए खर्च का बोझ उठाया जा सकता है। वहीं लोगों को उम्मीद है कि बजट में एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा हो सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ राहत मिल सके। वहीं बजट को लेकर बढ़ाने के लिए सरकार इनकम टैक्स स्लैब में 2.5 लाख की जगह 3 लाख न्यूनतम आय कर सकती है। वैसे भी साल 2014 में ये स्लैब 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख हुई थी। वहीं मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 तक का डिडक्शन बढ़ाकर 50,000 करने की उम्मीद भी व्यक्त की जा सकती है। वहीं एमएसएमई सेक्टर कर छूट और प्रोत्साहन पैकेज की आस लगाए बैठा है, जिससे घरेलू उद्योगों को लाभ मिले और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ सके। जानकारों का कहना है कि आज पेश होने वाले बजट में सरकार का मुख्य फोकस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रहेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ने पिछले दिनों आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया था, अब उसे सही से अमली जामा पहनाने के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती है। सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के जरिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों को जहां बढ़ाने पर फोकस कर सकती है, इसका सीधा बाजार पर असर दिखेगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। कोरोना काल में ये पहला बजट होगा। निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेंगी। इस साल पहली बार पेपरलेस बजट होगा। आज देश का आम बजट पेश होने जा रहा है। 11 बजे संसद में ये बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। अपने कार्यकाल का तीसरा बजट निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। देश का आज आम बजट पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण देश का आज पहला बजट पेश करेंगी, जहां इस साल पहली बार पेपरलेस बजट होगा। वहीं हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए सिपर न्यूज रूम से हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित जी जुड़ गए हैं। गीत जी, क्या कुछ कहना है इस बार देश का ऐतिहासिक बजट कोरोना काल में पेश होने जा रहा है, कितना अलग होगा हर बार के बजट से? कृतिका, मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी में जिस तरह से सरकार ने टीकाकरण को लेकर एक अभियान चलाया था, उसी तरह लोगों की अपेक्षा ये कि ये आर्थिक टीकाकरण का बजट, मतलब मेरा तात्पर्य साफ तौर पर कहने का है कि इस बार सरकार का फोकस ऐसे विषयों पर होगा जिस फोकस रहेगा, खासकर किसानों पर रहेगा, सुरक्षा पर रहेगा, युवा बेरोजगारों पर रहेगा, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाएगा उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। कृतिका, सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार का इनोवा बजट है और निर्मला सीतारमण तीसरी बार बजट पेश कर रही है। इस तरह से माना जाए कृतिका, कुल मिलाकर सरकार का फोकस होता है कोरोना महामारी के दौरान जितनी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई थी उसको कैसे मजबूत किया जाए आगामी वर्ष में, उसको लेकर खासकर युवा जो बेरोजगारों को लेकर लगातार मुद्दे उठते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे और दूसरे दल हो, लगातार सरकार का फोकस होगा कि रोजी रोजगार कैसे बढ़ाया जाए किसानों को लेकर, चूंकि लगातार देख रहे किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान नाराज चल रहे हैं केंद्र सरकार से, मुझे लगता है उसको लेकर भी खासकर फोकस बात सिक्योरिटी सिस्टम की अगर बात करूंगा, चाहे चीन की बात करूँ चाहे पाकिस्तान की बात करूँ, उस पर भी मुझे लगता है कि इस बार बजट में कहीं ना कहीं बहुत सारी जो है घोषणाएं हो सकती है। ठीक है जी। गीत जी, देखा जा रहा है जिस तरह से कोरोना महामारी में सभी ने कहीं ना कहीं इसकी मार झेली है, संकट के बीच अब ये बजट आ रहा है तो देश के ज्यादातर कारोबारियों की निगाहें इस पर टिकी हुई है, कहीं ना कहीं उम्मीदों का बजट देखा जा रहा है। स्वाभाविक तौर से कृतिका, हम ये जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना की जो महामारी उसमें आर्थिक पक्ष भी टूटा है, लोगों की महामारी के कारण जो जाने वो भी देखा, लेकिन सरकार का पूरा फोकस मुझे लगता है कि जनमानस से जुड़ा,
मोदी सरकार चाहेगी कि जनमानस का जो मनोबल टूटा है वो कैसे मनोबल को किया जाए उस पर ज्यादा फोकस होगा। इसमें मैं कृतिका आपको बता दूं कि इनकम टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है, उसको लेकर युवाओं की बात इसलिए कर रहा हूँ कि सरकार अब चाहेगी कि बेरोजगारी की जो हालात पैदा हुए हैं इस देश में उस पर उसका फोकस ज्यादा रहेगा, किसानों पर ज्यादा फोकस रहेगा। आप देखिए लगातार किसानों को लेके बड़े बड़े पैकेज दिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि किसानों को लेकर सरकार जरा गंभीरता का रुख अपनाएगी कि इस समय देश का जो सबसे बड़ा मतदाता है वो किसान है। उसके बाद अगर गृहणियों की बात करेंगे तो गृहणियों के लिए भी मुझे लगता है कि सरकार बहुत कुछ करेगी। जहां तक इनकम टैक्स की बात कह रहा था मैं आपको, इनकम टैक्स स्लैब भी बढ़ाया जाएगा, 2.5 लाख से हो सकता है 3 लाख कर दिया जाए। जी क्या लगता है गी जी, इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि महिला कारोबारियों को इस बार बढ़ावा मिलेगा या नहीं, क्योंकि बात सामने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की भी सामने आ रही है, तो महिला कारोबारियों को क्या रियायतें मिल सकती है इस बार? देखिए मैं जहां तक मेरी मेरे सूत्रों में जानकारी है जो अनुमान लगा, एक बार क्या है पेपरलेस इसको ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं, लेकिन महिला कारोबारियों की अगर आप बात कर रही है तो स्वाभाविक तौर से आत्मनिर्भर भारत की तरफ अगर भारत बढ़वा है तो चाहेगी कि युवा हो चाहे महिला हो चाहे छोटे मोटे कारोबारी हो, सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कयास या जो तैयारी सरकार कर सकती है उस पर पूरा फोकस रहेगा। और वही बजट में आपको देखने मुझे इस बार ऐसा लगता है कि बजट में ऐसे नए आयाम आ सकते हैं जिसकी परिकल्पना शायद ना विपक्ष कर सकता है ना आम जनता कर सकती है। जी गीजी, देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि इस बार निवेश बढ़ाने वाले कदमों पर जोर दिया जाएगा, क्या कुछ आपका कहना? देखिए आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश यात्राएं की तो देश में लगातार प्रयास जारी है, और इस समय जो विदेश मंत्री हैं वो भी लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं जयशंकर जी, उनका भी फोकस यही कि भारत में निवेश कैसे बढ़े, चाहे छोटा कस्बा हो चाहे कोई सा भी राज्य हो, वहाँ उनका फोकस पूरा है। वो फोकस इसीलिए होता है कि जहाँ रोजगार के आयाम तैयार होंगे वहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, और इसी कारण में मानकर चलता हूँ कि फोकस इस बार सरकार का होगा जो बेरोजगारी का लगातार मुद्दा होता आया है, जो लगातार सरकार को घेरने की तैयारी, एक तो बेरोजगारी के मुद्दा पर सरकार के क्या नए इजाद हो सकते हैं चाहे वो चाहे आर्थिक। मुझे एक चीज और लगती है कृतिका, कि युवाओं को मुझे लगता है प्रत्येक रूप में सरकार को बड़ा तोहफा दे सकती है। जी गी जी, निर्मला सीतारमण ने कहा था कुछ दिन पहले कि इस बार का बजट पिछले 19 सालों से के बजट से बहुत अलग होगा, और कहीं ना कहीं कोरोना महामारी का दौर भी इस बीच चला, तो देखा जाए तो कितने बदलाव इस बजट में देख सकते हैं? इस बार जो है फोकस बहुत ही सिलेक्टेड एरियाज में है, क्योंकि अगर बजट के रूप में सरकार ये बताएगी कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से देश का मनोबल बिगड़ा है, आमजनों का जो मनोबल गिरा है उसको मजबूत करने के लिहाज से बजट होगा, इसलिए मुझे ऐसा इस बार लगता है कि बजट में बहुत सारी नई चीजें होंगी जो आमजन से जुड़ी होंगी, कारोबारियों से जुड़ी होंगी, व्यापारियों से जुड़ी होंगी, आमजन से जुड़ी होगी, मजदूर से जुड़ी होगी, युवाओं से जुड़ी होगी, महिलाओं से जुड़ी होगी। जी जी जी, युवाओं को इस बार क्या सौगात मिल सकती है, क्योंकि रोजगार की इस समय काफी मंदी देखी गई है, तो रोजगार के क्या कुछ अवसर देखने को मिलेंगे इस बजट में? देखिए मैंने इसलिए कहा युवाओं को जहां रोजगार से या रोजगारी से जुड़कर अगर देखा जाए तो चाहे युवाओं की आप देख रहे हैं लगातार सरकार इस प्रयास में बड़े बड़े सेक्टर्स में उनके लिए नौकरियों के आयाम, यूपीएससी वाला मामला चल रहा है चाहे अदर सरकारी नौकरियों की आप देखिए, मुझे लगता है सरकार रोजगार के लिए अवसर देगी। दूसरी बात एक सबसे बड़ी बात है कि ये माना जा रहा है कि अगर किसी को व्यापार करना है तो उसके लिए क्या सुविधा सरकार उपलब्ध करा पाएगी वो भी तैयार किया गया है, उस पर ज्यादा फोकस होगा, और यही एक कारण है कि अगर सरकार रोजगार में अगर युवाओं को भरोसा दिला पाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे साथ टीएन मनीष जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। टीएन मनीष जी, देश का पहला ऐतिहासिक बजट कोरोना काल में पेश हो रहा है, उम्मीदों का बजट माना जा रहा है, क्या कुछ आपका कहना? देखिए कृतिका, की जिस तरह से वित्त मंत्री ने ये बोला है कि ये बजट ऐतिहासिक होगा, जैसे आदरणीय गीत जी कह रहे हैं कि ये वास्तव में न पक्ष के लिए न विपक्ष के लिए आम जनता के लिए अभी ये एक तरह से एक सस्पेंस है, 11 बजे ये पूरा खुलासा तरीके से हो जाएगा,
लेकिन इसमें इस बार जो है जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की बात थी, जिस तरह से लोकल फॉर वोकल की बात थी, जिस तरह से अर्थव्यवस्था को बिल्कुल कुटीर उद्योगों से जोड़ने की बात थी, प्रधानमंत्री कई अवसरों पर ये कह चुके हैं कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करने की, उनको विकसित करने की जरूरत है। तो ये जो बजट है, इस बजट में समग्रता के साथ मुझे लगता है कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो इस बार बजट होगा उसमें हेल्थ को लेकर के होगा, क्योंकि हेल्थ का जिस तरह से 2019 एक तरह से पूरा काला साल रहा है सबके लिए वैश्विक स्तर पर, और बहुत बड़ी स्थितियां खराब रही है, तो बजट में हेल्थ को लेकर के, इसके अलावा एजुकेशन को लेकर के और डिफेंस को, रक्षा को लेकर के एक बड़ा हिस्सा सरकार जो है इसमें वित्त मंत्री जी जो है कहीं ना कहीं देंगी। और आयकर स्लैब को लेकर के हर बार बात होती है कि 5 लाख तक इसको किया जाए, 2.5 लाख का हालांकि कंडीशनल किया था पिछली बार, तो ये एक उम्मीद है। इसके अलावा जो कैट संस्था है, एक बड़ी व्यापारियों की संस्था फेडरेशन है, उनने भी कई तरह के सुझाव केंद्र सरकार को इस बजट के पहले अपनी मांगों के अनुरूप दिए हैं। इसके साथ ही किसान आंदोलन की अगर हम उसमें देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में कुछ ऐसे सुधार सामने दिखना चाहिए बजट में, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन कृषि कहीं ना कहीं उसकी रीढ़ के तौर पे आज भी है हिंदुस्तान में, और एक रियल एस्टेट बड़ा सेक्टर है जिसको बहुत धक्का लगा है कोरोना काल में। तो मुझे लगता है कि बैंक लोनों की जो सरलीकरण होगा, और व्यापारियों की दृष्टि से जीएसटी को जटिलतम बताया जा रहा है तो उसके सरलीकरण की प्रक्रिया हो सकती है। इसके साथ ही हेल्थ को लेकर के जिस तरह से लोगों में स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरूकता आई है कोरोना काल में, तो वहां कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी कि आम छोटी आय वाला व्यक्ति भी अपनी अपनी जो स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कर पाए तो सरकार वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा दे सकती है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वर्क फ्रॉम होम को लेकर के क्या होगा, इसके अलावा ई कॉमर्स के साथ में जिस तरह से रिटेल व्यापार चौपट हो रहा है, जिस तरह से लोग अब ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से ऑनलाइन शॉपिंग की ज्यादा प्रक्रिया हो गई है और उसने छोटे छोटे दुकानदारों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है, तो उनको जीवन देने के लिए भी बजट में कुछ ऐसी संजीवनी दिखने की उम्मीद की जा रही है। डायरेक्ट टैक्स को लेकर के, स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर के, इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर के किस तरह की बात होती है, राजकोषीय नीति में क्या होता है, जीडीपी की चिंता कितनी इसमें होगी, राजस्व घाटे को पूर्ति के लिए सरकार क्या करेगी, पेट्रोल के जो दाम लगातार उछाल मार रहे हैं, 100 के करीब पहुंच चुका है राजस्थान में, तो 100 के पार हो गया श्रीगंगानगर में, तो इस तरह की जो बातें, कई तरह की चुनौतियों के बीच निर्मला सीतारमण अपने बही खाते की जो लाल कलर की पोटली जो उन्होंने एक नई शुरुआत की थी उसमें क्या कुछ लेकर के आती है, गृहिणियों के लिए क्या कुछ लेकर के आती है, महिला उद्यमियों के लिए क्या कुछ लेकर के आती है, ये सब चीजें हैं। लेकिन उम्मीदें बहुत सारी है, बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था में ये कहा जाता है, एक अर्थशास्त्र का एक नियम है कि हर छोटी मछली बड़ी मछली। टीएन मनीष जी, इस बार की यदि आर्थिक सर्वे, जी टीएन मनीष जी, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था जो है वी शेप की रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या कुछ आपका कहना? देखिए, जहां तक इसकी बात है, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक खाई होती है, जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बड़ी खाई होती है, जो ऐसा माना जाता है आमतौर पर, आम आदमी कहता है कि साहब अमीर आदमी होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये जो अंतर है इसको पाटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन पर जोर देने के साथ ही वैश्विक स्तर के हालातों के बीच हिंदुस्तान का ये जो बजट है किस तरह से ऐतिहासिक होना चाहिए और कितनी उम्मीदों पर ये खरा उतरेगा, क्योंकि इतने बड़े समाज को, इतने बड़े देश को, हर आय वर्ग को एक साथ लेकर चलना और सबकी संतुष्टि करना ऐसे माहौल में, जब एक बड़ा आंदोलन देश पर सर उठा करके आगे बढ़ रहा हो जिसमें कई तरह के गलत और अराजक तत्व भी शामिल हो गए हो, तो सरकार के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बीच से पार पाते हुए किस तरह ये बजट होगा, क्योंकि मिनी बजट तो कई आ गए लेकिन ये जो बजट है ये बजट आशाओं का बजट होगा, ऐसी उम्मीद हम सब कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा की पूरा मामला है, ये मामला 11 बजे से खुलना शुरू होगा, उसके बाद टीएन मनीष जी, लेकिन देखा जाए किसानों के साथ ही देश के कारोबारियों की भी निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है, उन्हें क्या कुछ रियायतें मिल सकती है?
निश्चित तौर पे कारोबारियों का जो कहना है, कारोबारियों ने जैसे मैंने आपको कहा कि जीएसटी की बात है, इसके अलावा जिस तरह के व्यापार चौपट हुए हैं, तो सरकार किस तरह सस्ती दरों पर उनको उनको प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के माध्यम से कैसे लोन या ऋण के रूप में, व्यापारिक ऋण के रूप में उनके लिए क्या कुछ नई योजनाएं लेकर के आती है, ताकि जो व्यापार धंधे चौपट हुए हैं इस पूरे कोरोना काल के दौरान, उनको पटरी पर लाए जाने की भी एक चुनौती है। और मुझे उम्मीद है कि अलग अलग व्यापारिक संगठनों ने सरकार से जिस तरह की मंथन चिंतन की थी, उस मंथन चिंतन का क्या निचोड़ इसमें सरकार शामिल करती, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हेल्थ है, हेल्थ के बाद हम अगर बात करते हैं तो कारोबार है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे दौर में जब हम पूरे के पूरे साल हर क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, तो उस पिछड़ेपन को आर्थिक रूप से सामने लाने के लिए, साकार करने के लिए, सही रूप में उसको बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए निर्मला सीतारमन के पिटारे से कौन सी घोषणाएं निकलती है? क्योंकि जो इसके पहले भी जो 30 लाख करोड़ का जो घोषणा पैकेज घोषित हुआ था, उस पैकेज को लेकर के व्यापारिक संगठनों का, दूसरे आर्थिक विशेषज्ञों का देश के ये कहना है कृतिका कि इसमें किस तरह का आवंटन हो, इसके क्रियान्वयन में अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक, जो अंत्योदय की बात बार बार बीजेपी की सरकार करती है, बार बार बीजेपी के लोग करते हैं, वो अंत्योदय इसमें नजर आता है कि नहीं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल टीएन मनीष, साथ ही महिला कारोबारियों की भी मैं बात करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चर्चाएं गर्माती नजर आ रही है। तो इस बार महिलाओं को क्या कुछ सौगातें मिलेंगी? देखिए, महिला कारोबारियों के लिए भी इस बार का जो बजट है आशाओं का बजट हो सकता है, क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री जी ने कई मौकों पर इसको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए खुद भी आगे आए हैं, और ऐसी महिलाओं के कई हम लोगों ने सम्मान भी देखे हैं जिन्होंने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो महिला कारोबारी है, उन महिला उद्यमियों के लिए छोटे छोटे स्तर पर भी सरकार की अगर कोई घोषणा होती है, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऊपर से जो चलती है चीज, वो अंतिम छोर की महिलाओं तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हम देखते हैं। टीएन मनीष जी हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी भी जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन जी, सबसे पहला तो सवाल आप ही से, देश का पहला ऐतिहासिक कोरोना काल में बजट पेश हो रहा है, कितना कुछ अलग होगा, कितना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, कोई बहुत चमत्कार की उम्मीद लोगों को नहीं करना चाहिए, कोई बहुत लोभावन स्थितियां मिलेंगी, क्योंकि सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। पर इसके बावजूद भी सरकार उन सब चीजों की फिक्र करेगी। सरकार ने जो संकल्प लिया कि हर गरीब को छत मिले, हर किसान के खेत तक बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो, छोटे और बेहतर बने, सड़कों का जाल भारत में बिछे, और लोगों के स्वास्थ्य के लिए आवंटन कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों पर सरकार बहुत विचार कर रही है। मुझे लग रहा है कि यह सरकार के अच्छे प्रबंधन का परिणाम ही है कि आज पूरी दुनिया के देश जब घाटे के दौर से गुजर रहे हैं, रसातल में जा रहे हैं। वित्तीय स्थितियों की अगर मैं बात करूं, ऐसे में भारत ने आनंद आनंद में पुनः प्रगति के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, और जो विशेषज्ञ लोग इसे वी शेप रिकवरी का नाम दे रहे हैं, इसका अर्थ है भारत देश की अर्थव्यवस्था फिर से उठ खड़ी होने के लिए छलांग लगाने के लिए तैयार है। और उसी का परिणाम है, कल हमने देखा है जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल जनवरी 2020 से यदि हम तुलना करें, काफी बढ़ोतरी हुई है। ये मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा संकेत है। विदेशी निवेश भी भारत में पहले से लगातार बढ़कर क्या है, यह सिद्ध करता है कि हालात कितने भी खराब हो गए हो टेम्पररी तौर पर सरकार जो है जिनके हाथों में देश की बागडोर है, कुशल प्रबंधन के साथ देश को उभारने के लिए तत्पर है। इसलिए फॉरेन का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन का मामला हो, चाहे रेलवे के सुदृढ़ीकरण का मामला हो, इन सब चीजों पर भी इस बजट में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे। एक बार महत्वपूर्ण बात, जब कोरोना काल में सारे देश की रेल के पहिए थम गए, तो आम आदमी नहीं समझ पाता कि रेल मंत्रालय उस दौरान क्या कर रहा था। आनंद तारण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है आज बजट
पेश होने जा रहा है, कांग्रेस को क्या कुछ उम्मीद है सरकार से? देखिए, जो 6 साल की कार्य पद्धति रही है सरकार की जी, और जिस तरह से कोरोना काल में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार की जो पद्धति देखी काम करने की, उससे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बातों का जमा खर्च भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास बहुत अच्छा है। वीरेंद्र जी ने अच्छी अच्छी बातें करी निश्चित रूप से, लेकिन हम तो चाहते हैं विकास हो, लेकिन विकास कहाँ हो? आज हर वर्ग परेशान है, हमारे मजदूर परेशान है, विद्यार्थी सबसे ज्यादा परेशान है। उनसे बोला गया था 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ है? 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ है? काला धन लेके आएंगे कहाँ? ये वायदे तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बहुत जमीनी सतह पे, लेकिन कुछ नहीं है, केवल ऊपर ही ऊपर सब चीजें चलती रहती हैं, मीडिया में सब चीजें तैरती रहती हैं, सौर मंडल में तैरती रहेंगी कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन धरातल पे कहाँ? आज पूरा देश परेशान, जीएसटी की बात करते हैं, हमारा जीएसटी बढ़ा, मतलब आप बिल्कुल कसाई हो गए हो। ये कि जीएसटी आपका बढ़ गया मतलब आप कसाई हो गए, आपको केवल जनता की गर्दन काटना। आपने जो जिन चीजों पे 5% टैक्स लगता था उन पे 12 और 18% टैक्स कर दिया, तो आप समझ रहे हो कि हमारा जीएसटी बढ़ गया, हम बहुत अच्छे हैं, लोग हमें पैसे दे रहे हैं। भाई पैसे तो मजबूरी है लोगों की देना, लेकिन जनता की आज माली हालत देखें, जनता का लिविंग स्टैंडर्ड देखें, जनता आज ताई माम कर रही है। आपने डीजल पेट्रोल 100 रुपए पार करने की तरफ जा रहे हैं हम, आप कहाँ हैं? जब ये सत्ता में आए थे तब बोलते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो रामदेव बोलते थे 35 रुपए हम कर देंगे पेट्रोल का रेट, हमारा मस्तक से सर झुक रहा है, हम लोग आज मुद्रास्फीति बढ़ रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। आज रुपए का अवमूल्यन नहीं हो रहा, आज कोई बात ही नहीं है किसी बारे की, बात किस तरह की बात है, लेकिन इसके बाद भी हम सब भारतवासी हर मामले में एक हैं। हम चाहते हैं कि अगर मोदी जी सत्ता में है, जनता ने अगर उन्हें जनादेश दिया तो कुछ करके दिखाएं, कथनी और करनी है कौन जी? महात्मा गांधी की जयंती पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी के जो सिद्धांत है उनको आत्मसात करें, उनकी करनी और कथनी के बात को वो अगर उन्होंने किसी बच्चे से बोला था कि मैं उसकी माँ से बोला था कि इसको 15 दिन बाद आना, तो वो 15 दिन बाद लेके गई तो उन्होंने बोला कि बेटा गुड़ छोड़ दो, उसकी माँ ने बोला आप 15 दिन पहले भी ये बात बोल सकते थे, उन्होंने बोला पहले मैं खुद भी गुड़ खाता ना, जब मैंने छोड़ दिया तब मैं इससे बोल रहा हूँ। ये हमारा वो होने चाहिए चरित्र, ये चरित्र अगर हमारा हो, हमारे राजनेताओं का हो जो हमें पालन करते हैं उनका हो, तो निश्चित रूप से इस मामले में आगे रखेंगे। लेकिन आज तक 6 साल में 7 साल में मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे उनमें कहीं एक वायदा पूरा नहीं किया। क्या जो वायदे या जो हम ध्रुवीकरण के मामले में लाए या दूसरे मामलों को लेके आए, उनसे क्या लोगों का पेट भरता है जी? हमें बताएं कि क्या हम उनसे जनता का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं? क्या उनसे उन्हें रोजगार दे सकते हैं? क्या हम अराजकता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? आज अगर हमारे नौजवानों को हम नौकरी नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो उनका वो किस दिशा में जाएंगे? टीएन मनीष जी, आपने जयवर्धन जी को भी सुना और आपने आनंद जी को भी सुना, आपका क्या कुछ दोनों का निष्कर्ष क्या निकल के आता सामने? देखिए कृतिका, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है आम बजट का मामला है, इस बजट में अगर हम पार्टी के दलगत स्तर पर पार्टी लाइन से हटकर के बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बजट है, इस बजट में हमको वास्तव में बहुत धैर्य रखने की इसलिए भी जरूरत है कि एक वर्ष पूरा देश का या पूरे वैश्विक स्तर पे किस तरह गुजरा है किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे हालात में अगर सरकार कोई पहल कर रही है तो उस पहल के बीच में जनता को भी साथ देना होगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कोशिश तो ये करेगी जरूर से कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को एकदम से तो पटरी पर नहीं लाया जा सकता, और इसमें विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि इस बार 8% तक गिरने की उम्मीद, अगर ऐसा होता है तो विकासशील देशों में हम कहीं ना कहीं पिछड़े में आएंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती निर्मला सीतारमण और पूरी सरकार के लिए है कि ये गिरावट ना आए। दूसरा, व्यापारियों को लगता है कि उनकी जीएसटी का सरलीकरण हो, आम जो व्यापारी हो उनको लगता है कि उनको लोन सस्ते मुहैया कराया जाए, रियल एस्टेट को लगता है कि उनकी जो पूरी तरह से एक तरह से लॉक हो गई है कार्यप्रणाली, उस ताले को खोलने के लिए इस
इस बजट में आर्थिक टीकाकरण, इसको मैं बोलूंगा कि आज जो है ये वैक्सीनेशन के दौर में निर्मला सीतारमण जी कौन से आर्थिक टीकाकरण किस किस क्षेत्र की ला रहे हैं, ये देखने वाली बात है। महिला उद्यमियों को लगता है कि वो अगर आत्मनिर्भर बनने की तरफ आ रही है, हमारी संस्कृति में दुर्गा और शक्ति माना जाता है, नारी को पूजा जाता है, तो ये जो पूरी स्थिति है, इस स्थिति में अगर नारी आत्मनिर्भर बन रही है, अपना संबल दिखा रही है, अपने परिवार को चलाने के लिए मुख्य धारा में आ रही है, तो अब ये सरकार की महती जिम्मेदारी है कि उनको भी एक आर्थिक संबल दे। तो मुझे लगता है कि किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, शिक्षा नीति में भी हमको देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन के बावजूद जिस तरह से फीस वसूली जा रही है, कहीं ना कहीं उसने माता पिता लोगों की, अभिभावकों की, पेरेंट्स की भी कमर तोड़ी है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इसमें क्या होगा। गृहिणियों को लगता है कि घरेलू गैस के सिलेंडर के दामों से लेकर तमाम तरह की, धैर्यवर्धन जी इस बजट में सरकार की ओर से और किन क्षेत्रों में रियायतें मिल सकती है? चर्चा करूंगा रेलवे की चर्चा कर लोगों को लग रहा था कि रेल का चक्का बंद है, थमे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहा। पर जो विशेषज्ञ लोग हैं, इन सब चीजों को समझते हैं, भली भांति जानते हैं इस आपदा में रेलवे ने अवसर खोजा, क्योंकि रेलवे विभाग को अगर ट्रैक सही करना होता था तो कई बार आधा आधा दर्जन गाड़ियों को सस्पेंड करना होता था कि ये गाड़ियां अमुक दिन से अमुक दिन तक बंद है। ऐसे में रेलवे विभाग ने जहाँ पर दो ट्रैक का प्रयास किया, जहाँ पर सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक किया है, जहाँ पर डीजल से ट्रैक को चलाया जा रहा था, इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, जहाँ पर आधुनिक सुरक्षा के संकेतक नहीं लगे थे, वहाँ पर वह सब किए गए, जहाँ पर क्रॉस करने के लिए मानव चलित व्यवस्था थी, उसको सब को इलेक्ट्रिफाइड किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार वो तमाम ठोस काम करना चाह रही है, आगामी पच्चीस पचास साल के लिए भारत में बेहद मजबूत नजर आए। जिस तरह से कांग्रेस हमेशा से सरकार पर जीडीपी को लेकर आरोप लगाती रही, इस बार उस स्थिति को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीदें हैं जीडीपी को लेकर? जीडीपी बराबर दशातल में ही जा रही है, बड़ी कुछ नहीं है। अरे एक बात बताइए, आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, रेलवे की बातें कितनी करी, आज रेलवे की क्या हालत कर रही है, रेलवे का प्राइवेट कर रहे हैं उनको, इनसे ये क्या अच्छा काम हो रहा है, इनसे जो किराया है, किराए में कितनी बढ़ोतरी करी है, मतलब हम गरीबों के बारे में तो हमारा सोच है ही नहीं जी। पर हमारा सब सोच ये है कि सरकार की आय कैसे बढ़े, मतलब ऐसा लगता है कि सरकार व्यापारी सरकार हो गई है। महिलाओं की बात हो, किसानों की, आज किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं भैया, किसानों के, हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश में किसान पुत्र राज कर रहे हैं, किसानों की हालत खराब है, किसान आज भी आत्महत्या करने चालू हो गए। हमने अगर किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की, उसे झूठ का पुलंदा बता दिया, 27 लाख किसानों की हमने
कर्जा माफ किया था, आपने उसको मतलब मजाक में उड़ा रहा हो। आज किसान रोड पे खड़ा हो, पूरे देश में किसान आंदोलनरत है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और रेलवे की बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, किस तरह से देश के नौ रत्नों को बेचा जा रहा है, उनका कैसे प्राइवेट करण करे किया जा रहा है, ये क्या पूरा देश नहीं देख रहा है जी। बात कर रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब मोदी जी ने कर दिया, रेलवे में जो कुछ हुआ सब मोदी जी की सरकार ने करा, इसके पहले कभी नहीं हुआ। जो पूरा मध्य हिंदुस्तान में रेल का जंजाल फैला हुआ है ये 6 साल में ही हुआ है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो सब एक उन्होंने चाबुक घुमाई और सब हो गया। इस तरह की बातें करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो 70 साल में हिंदुस्तान ने में कांग्रेस ने दिया है वो आज मोदी जी उसको व्यापारियों को दे रहे हैं। धैर्यवर्धन जी बोलिए, जो बोलिए धैर्यवर्धन जी, आनंद जी धैर्यवर्धन जी बोलिए, लग रहा है जी बोलिए। देखिए आनंद जी ने इतने सारे हमले कर दिए, मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं, मैंने तो आज के डिस्कशन में एक शब्द भी नहीं बोला कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ टी एन मनीष जी, जिस तरह से आपने दोनों को नहीं सुना वही मैं कहूंगी कि सरकार की ओर से बीजेपी ने जिस तरह से आपने धैर्यवर्धन जी को भी सुना, जीएसटी को लेकर आपका क्या कुछ नजरिया, क्या कुछ अपेक्षाएं आपकी सरकार से? देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय ये बात बिल्कुल सही है कि जीएसटी जो है उसका उसकी जो नियत है उस नियत में कहीं खोट नहीं है कृतिका, लेकिन जीएसटी के जाल में जिस तरह से व्यापारी उलझे हैं तो सरकार को इसके सरलीकरण पर ध्यान देना होगा। और मुझे उम्मीद है कि जीएसटी के सरलीकरण को लेकर आज के बजट में कोई घोषणा हो सकती है, क्योंकि नियत अच्छी है लेकिन इसको लेकर के आज भी तमाम व्यापारी कंफ्यूजन में है। और वो जो भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम की स्थिति का फायदा इसके जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। तो सरकार को जीएसटी को सरलीकृत करना पड़ेगा। और इसको देखते हुए दूसरी चीज ये भी है कि अभी जिस तरह से रियल एस्टेट की मैंने बात की थी, तो रियल एस्टेट कोरोना काल में जो परचेसिंग पावर है, जो खरीदने की क्षमता है वो कम हुई है। अब इसको देखते हुए लोगों को अपने घर का सपना अगर पूरा करना है तो होम लोन में टैक्स की दरों में, रजिस्ट्री के चार्जेस में कुछ छूट के प्रावधान की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी के सरलीकरण, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी एक रेगुलेशन की बात है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि किसानों की जो आय बढ़ाने और फसल के सही दाम दिलाने पे सरकार को ध्यान देना होगा। जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सिक्किम ने योजना बनाई है, उस तरह की योजना देशव्यापी स्तर पर प्रोत्साहन के लिए देनी होगी, क्योंकि अपरंपरागत खेती की तरफ भी जो युवा और जागरूक किसान है, जो 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 पीढ़ीगत तरीके से कृषि पर आधारित परिवार है। जी जी आनंद जी आपका रुक करूंगे, जीएसटी को लेकर आपकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? सरकार ने बोला था कि एक पॉइंट लगाएंगे, लेकिन जीएसटी को किस तरह से उलझाया गया? दूसरा क्या है, जीएसटी के नाम पर किस तरह से उगाही हो रही है? मैंने प्रधानमंत्री जी ने बोला था ठीक है, मोदी जी की अच्छी नीयत है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसको नीचे स्तर पर आए तो हम उसकी बात करें। हमारी भावना जनता तक आए तो उसकी स्वागत हो, लेकिन हमारे बोल कुछ हो, हमारा कर्तनी और करनी में अंतर हो, बहुत कुछ अंतर रहता है। आज जीएसटी के नाम पर किस तरह से वसूली हो रही है, मतलब जीएसटी के नाम से व्यापारियों को डराया जा रहा है और अनैतिक रूप से उनसे पैसे लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा विडंबना है। और क्योंकि उनको डर बता रहा है कि सीधे जेल में जाओगे आप, जी 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 बहुत विडंबना। आनंद जी आपके सवाल का जवाब, धैर्यवर्धन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी? देखिए कांग्रेस ने अच्छी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हमेशा। आप देखिए कि केंद्र सरकार जीएसटी लेकर क्या ही करके आई, एकीकृत व्यवस्था की दिशा में देश आगे बढ़े, उसके लिए कायम की, पर उसमें इतना बड़ा प्रावधान किया कि हिंदुस्तान की जितनी राज्य सरकारें हैं उनके मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सब मिलकर के जीएसटी काउंसिल में नए सिरे से हर बार करती है कि भाई कहाँ टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान करने चाहिए, यदि किसी वस्तु पर धैर्यवर्धन जी धैर्यवर्धन जी लेकिन देखा जा रहा है कि हमेशा से जीएसटी को लेकर कारोबारी भी परेशान है। मैं दोनों बातों से टी एन मनीष साहब तो बहुत ही गंभीर
आप दोनों की ही बात को टीएन मनीष जी से समझना चाहूंगी। टीएन मनीष जी, जिस तरह से देखा जा रहा है जीएसटी को लेकर हमेशा फजीहतें रही है, सरकार ने इस बार क्या कुछ, सरकार को क्या कुछ रुख अपनाना चाहिए अब इस बार? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जीएसटी का जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि मूल आत्मा में कहीं खोट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीएसटी किसी भयादोहन का कारण ना बने, किसी तरह से व्यापारियों के लिए इस तरह की स्थिति ना बने, उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से सुधार हुआ है, उसका उदाहरण आज का मैं आपको ताजा दे रहा हूं कृतिका, कि जीएसटी कलेक्शन ने एक महीने में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। साल की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई है, जनवरी में जो रिकॉर्ड है 1,19,847 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। लेकिन इसमें समझने और देखने वाली बात यह है कि ये जो कलेक्शन हुआ है, इस कलेक्शन के पीछे व्यापारियों ने कितनी परेशानी के बीच इस जीएसटी का भुगतान सरकार के नियमों का पालन ईमानदारी से करते हुए किया है। अगर वो राजस्व में वृद्धि का कारक बनता है व्यापार, तो व्यापार की चिंता करना भी सरकार का दायित्व होना चाहिए। और व्यापार की चिंता का अर्थ यह होता है कि व्यापार के संचालन में सरकारी नियमों का सरलीकरण हो और उसमें किसी भी तरह की कमीशनखोरी, किसी भी तरह की रिश्वतखोरी, किसी भी तरह की दलाली और किसी भी तरह का एजेंटशिप, इससे बचने की जो है उपाय और प्रावधान सरकार को करनी चाहिए। क्योंकि सरकार ने जिस तरह से पूरी स्थितियां आत्मनिर्भर भारत को लेकर प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की बात हो रही है, तमाम तरह की बात है, तो एक तरह से ये ठीक है, हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। और वैश्विक स्तर पर अगर हम देखा जाए तो तकनीक के स्तर पर, इंटरनेट सेवाओं के स्तर पर हम कहीं ना कहीं बैंकिंग को, वित्तीय लेन देन को सरल बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे हम अब लेन देन, आरण, आना जाना, निकालना देना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं सरकार को ये स्लैब तय करना पड़ेगा कि व्यापार का क्या टर्नओवर है, उसके हिसाब से किस व्यापारी को किस तरह की, किस जगत को क्या जरूरत है। जैसे मैंने आपने पहले कहा कि खुदरा व्यापार जो है कृतिका, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग का शिकार हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि अर्थव्यवस्था, आर्थिक जो अर्थशास्त्र कहता है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो क्या बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है? अगर खा रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है लघु उद्योगों को लेकर संभावनाएं इस बार ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बजट में की है? देखिए, कोरोना काल में भी सरकार ने बड़ी राहत दी थी उन लघु और मध्यम उद्योगों को जो बंद होने के कगार पर थे, उनको अनेक प्रकार की तकनीकी मदद भी की, आर्थिक मदद भी की, लोन उपलब्ध कराया, उनका जो अंशदान मजदूरों के पीएफ खाते में जाता वही भी सरकार ने अपने जिम्मे लिया। ऐसे अनेक प्रयास किए कि इस विपरीत काल में, इस विपत्ति काल में भी उनके घुटने न छले और उद्योग धंधे धीरे धीरे वापस पर आ जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो बूस्टर डोज देखने को मिलेगा, जैसा कि टीएन मनीष जी ने अपने प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण में कहा था, यह भी एक प्रकार का वैक्सीनेशन ही होगा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का। और हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भारत में घाटे का बजट लाती है, क्योंकि विकास का द्योतक होता है, हमारी जो संभावित इनकम है हम उससे बढ़कर खर्च करना चाहते हैं, देश की जनता पर, पब्लिक पर, रक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कृषि पर। और एक और बात जिसका उल्लेख मैं फिर से एक बार करूंगा, पिछले सरकार ने
बिल्कुल मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी हिस्टोरिकल बजट का आवंटन किया। इतना पहले कभी नहीं हुआ, जितना बड़ी तादाद में जितने बड़े प्रतिशत में बजट आवंटित हुआ है। तो सरकार अपनी इस बात पर कायम है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये सब जो हमारा आनंद जी आपका एक आखिरी रिएक्शन की देखा जा रहा है इस बार देश के कारोबारियों की बजट पर निगाहें ज्यादा टिकी हुई है, आपका क्या कुछ कहना है, क्या सुधार आप सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये कि जो जीएसटी का हुआ है जी जीएसटी के नाम पर जो जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है उससे ज्यादा उसमें भ्रष्टाचार में जा रहा है भैया कि छापे डाले जा रहे हैं। अगर उसमें 50 लाख रुपए की रिकवरी कर रहे हैं तो उस 50 लाख रुपए नंबर दो में भी ले रहे हैं, मतलब ये मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बोल रहा हूँ। लेकिन इसको इसमें सरकार को उनके पीछे ध्यान रखना पड़ेगा, जो अधिकारी इस काम में जो लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए, उनके ऊपर नजर भी रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और इससे व्यापारी पूरा परेशान। और व्यापारी अगर पैसे देगा अगर इस तरह तो जनता से लेगा, तो ये पूरा का पूरा भार जीएसटी के कारण जनता के ऊपर पड़ रहा है। आज अगर पहले दवाइयों पर 5% टैक्स लगता था, आज दवाइयों पर 12% से कम तो लगता ही नहीं है, 12-18 और इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 12 और 18 तो है। तो आज दिगना और चौगना आप देख लीजिए, 2.5 गुना और 3.5 गुना टैक्स हो गया, मतलब 12% और 18%। तो मतलब किस तरह से जनता के ऊपर जो स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ किस तरह से उसका दोहन किया जा रहा है, किस तरह से उनके ऊपर भार डाला जा रहा है। और एक बात और मैं बोल रहा हूँ, जब मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ, बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ, एक जनता के जनप्रतिनिधि के नाम से ही बोल रहा हूँ मैं जी, जो मेडिसिनों पर जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 साल में मोदी सरकार में, आप इसका चाहो तो इसके ऊपर आप एक रिसर्च करवा लो। आप मैं डीएनएन से बोल रहा हूँ कि मैं आपको धन्यवाद दूंगा इसमें कि दवाइयों पर जिस तरह से आनंद जी कोरोना काल भी तो था। सुनिए सुनिए सुनिए, पहले मैं दवाइयों की बात कर रहा हूँ, पहले तो आप जी सुन लें, कोरोना की भी बात करूंगा। जिस तरह से दवाइयों पर बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत ही मतलब गंभीरता पूर्वक जो रेट बढ़े। अच्छा दूसरा ये है कि जब हम खुदरा दवाइयां जो हम जेनरिक के नाम से बोलते हैं, जब जेनरिक पे हम 80% और 70% और 30% और 20% पे दे सकते हैं, तो क्यों नहीं हम देश में एक ऐसा कानून बनाए कि जिसमें हर दवाई हर दुकान पे, चाहे वो किसी भी रिटेल दुकान हो या कहीं हो, वहां भी वो 20% और 30% और 40% पे बेचे। जब हम वहाँ बिल्कुल आनंद जी आपके सवाल का जवाब धैर्यवर्धन जी से लेते हैं। जी जी आनंद जी जी धैर्यवर्धन जी देखिए पूरा देश जानता है आनंद जी को छोड़कर जानते तो ये भी है पर ये छिपा रहे इस बात को कि कैसे मोदी सरकार में हृदय का इलाज सस्ता हुआ है, स्टेंट सस्ते हुए, दवाइयां सस्ती हुई है, कैसे कैंसर डायबिटीज तमाम बीमारियों की जो दवाइयां थी जिनको बहुत बड़ी कीमतों पर देश में बेचा जाता था उन पर लगाम लगा कर मूल्य निर्धारित किया, अधिक मूल्य पर सामग्रियां उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। हम भली भांति जानते हैं कि और तो तमाम एंटीबायोटिक्स पैरासिटामोल तक भी मोदी सरकार में सस्ते हुए, इसलिए मैं इस आरोप का खंडन करूंगा कि रेट कहीं पर बढ़े। हाँ ये हो सकता है कि व्यापारियों ने कोई रास्ता निकाला हो, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो सरकार की नजर से बच गया हो, उस कॉम्बिनेशन के नाम पर कोई ड्रग लॉन्च करके मनमाने रेट पर तय की जा रही है। हाँ एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, कुछ प्रावधान होते हैं जिनको भारत सरकार उस हस्तक्षेप आसानी से नहीं कर सकती है। यदि कोई दवा कंपनी अपना कोई फॉर्मूला नया लेकर के आती है बीमारी के इलाज के लिए और वो उसका पेटेंट करा लेती है तो उसको 10 वर्षों तक में कॉपी किया जा सकता है, ना कोई और कंपनी उसको बना सकती है। तो तब वो है रिसर्च के नाम पर खर्च हुए पैसे की वसूली के लिए अपनी रेट पर उस दवाई को लॉन्च करते हैं। तो ऐसी कोई दवा आनंद तारण जी के ध्यान में आई हो तो मुझे लग रहा है कि उसको तो रोकना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो 10 साल के बाद ही जब बाकी कंपनियों को बनाने का कानूनी परिस्थिति बनती है तब सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। पर मोटे तौर पर 90% से अधिक 95% दवाइयों के मूल्य में कमी की है मोदी सरकार। जी धैर्यवर्धन जी तमाम जानकारी के लिए, आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आज जो देश का पहला ऐतिहासिक बजट पेश होने जा रहा है निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में ये बजट पेश करने जा रही हैं। आइए सुनवाते हैं बजट से पहले जनता की राय। बजट जो बजट की प्रक्रिया हमारे देश के अंदर आ रही है
बहुत प्राचीनतम परंपराओं में से थी। बजट मतलब निर्धारण, कि हमारे खर्चों का व्ययों का उसमें निर्धारण होगा। तो बजट से सारे वर्गों की एक आशा होती है, जिसमें जो मध्यम वर्ग है उसकी सबसे ज़्यादा उचित आशा होती है, क्योंकि मध्यम वर्ग कहीं ना कहीं दबा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, और वो प्रयत्नशील है, वो लगा हुआ है कि उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हो। आप देख रहे हैं नोटबंदी, और नोटबंदी के बाद देश के अंदर नोटबंदी से जो हमारे आय व्यय की व्यवस्थाएं बिगड़ी है, वो आज तक कहीं ना कहीं चरम पे नहीं आ रही है, सुधर नहीं पा रही हैं। तो हमारा प्रयास, हमारी सरकार का ये होना चाहिए कि जो छोटे छोटे केंद्र हैं, किराने की दुकानें हैं, और छोटे छोटे व्यापारियों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको वो सुदृढ़ बनाएं। उसको वो सुदृढ़ बनाने में कहीं ना कहीं पीछे हो रही है। व्यक्ति की जो प्रतिदिन की नित्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप पेट्रोल भोपाल में देख रहे हैं 94, 93, 92 और 100 रुपये की ओर ये बढ़ रहा है। तो एक आम आदमी के लिए गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल हुआ जा रहा है, वो दुष्कर कार्य हो गया है। व्यक्ति क्या करे, कहाँ से लेकर के आए, और बीच में हमने देखा कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो गरीब तबका था उसको कहीं ना कहीं अनाज की व्यवस्था है, और जो बड़ा तबका है उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो माध्यमिक मध्यम हमारा तबका है, जिसमें स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ने वाले लड़के आते हैं, ऑटो चलाने वाले आते हैं, गाड़ी चलाने वाले आते हैं, ये भी मध्यम तबके में ही आते हैं। तो इनके लिए जो वैचारिक व्यवस्थाएं होती हैं वो सरकार द्वारा प्राप्त नहीं कराई जा रही हैं। तो इस बजट से ये एक प्रकार से समझ लीजिए जीवन की आशा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे तरीके से टूट गए हैं कोरोना जैसी महामारी के अंदर। सारे निर्णय भारत सरकार के हाथ में होते हैं, भारत सरकार के हाथ में जो निर्णय है वो निर्णय को अच्छा कर करके व्यक्तियों के लाभ के बारे में सोचे। और हम ये भी समझ रहे हैं कि सरकार को टैक्स की आवश्यकता भी होती है, विकास कार्यों में भी धन का व्यय होता है, तो वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही हैं। तो हम सरकार की भी महत्वाकांक्षा समझते हैं कि वो देश के कल्याणार्थ, और गरीब व्यक्ति जो हमारा किसान तबका है, जो आए दिन फांसी लगा रहे हैं, अभी फांसी लगा रहे हैं, फांसी के साथ साथ उनको धन की व्यवस्था दे रहे हैं, KCC आप सब दे रहे हैं, लेकिन उनका लाभ उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हमारा किसान जागरूक नहीं है, वो इतना अध्ययन नहीं कर सकता, वो इतना डॉक्यूमेंटेशन नहीं समझ सकता। तो उसको आप समझाएं, और उसके लिए साधारण से साधारण आसान व्यवस्था करके अच्छे बजट का निर्माण हर वर्ग के लिए हो, ये मेरी सरकार से अपेक्षा है। बजट का साहब ये मसला है कि कुछ जो मध्यम परिवार है उनको थोड़ी सी उनको सहूलियत देनी चाहिए। जैसे पेट्रोल का रेट जो है वो इतना ज़्यादा हाइप हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार को थोड़ा सा अपना जो है डिसीजन जो है टेक अवे लेना चाहिए। और सिलेंडर जो है वो 800 रुपये का हो गया है, उसको भी थोड़ा सा कम करना चाहिए। और खाने पीने की चीज़ें काफ़ी जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी वजह से जो है जो मध्यम परिवार है उसको काफ़ी जो है लोड पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट को जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो मिडिल क्लास है उसका जो है काफ़ी ध्यान रखे, क्योंकि गवर्नमेंट को उसी ने बनाया है मिडिल क्लास ने, और अगर उसको वो नाराज़ करेंगे तो गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। देखिए बजट के बारे में जो बोलना है वो तो देखा हुआ कि अपन पिछले 4-5 महीने बल्कि 1 साल ही हो गया है कोरोना को झेलते हुए आ रहा है। तो इस बार का बजट उम्मीद करते हैं कि आम आदमी के हक का होना चाहिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होनी चाहिए कि आम आदमी उसे ले सके। और अभी देखा जा रहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, और इस तरीके से देखा जाए तो बजट आम आदमी के अधिकार के हिसाब से ही आना चाहिए, और सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार आम आदमी के हिसाब से ही बजट दे। जैसे पेट्रोल वगैरह में कम होने चाहिए, और जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे किराने वगैरह में और कपड़ों में, मतलब हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है पेट्रोल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मतलब हर चीज़ में कम से कम रेट हों। तो 5 लाख का उन्होंने जो रिबेट दिया था उसको बढ़ाना चाहिए ताकि फ्लो मार्केट में हो और इससे इकोनॉमी गेन हो। अब कोरोना के बाद अच्छा आना चाहिए बजट, अब वो उनके ऊपर है कि क्योंकि पहले भी जो रिबेट करना चाह रहे थे वो भी उस साल नहीं हुआ था, इस पर कोरोना का काफ़ी परेशानी है लोगों को आर्थिक रूप से, और इसको रिबेट बढ़ाना चाहिए ताकि उसे मार्केट में फ्लो हो पैसे। नए बजट में ऐसा है कि मतलब ये होना चाहिए कि जो लोग हैं उनके उनको लेकर सोचा जाए, ये नहीं कि गवर्नमेंट के पक्ष में कि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। खासकर कोरोना के समय जो स्थिति हुई है तो लोगों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और उसके बाद जो दाम बढ़ गए हैं उससे लोगों को मतलब बहुत नुकसान, लोग अपनी EMI नहीं चुका पा रहे हैं। तो थोड़ा महंगाई तो कम होना चाहिए ताकि अपना जीवन यापन लोग अच्छे से कर सकें। और जैसे अभी सब्सिडी वगैरह भी हाँ बंद हो चुकी है, तो सरकार को फिर से थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए कि लोगों के पक्ष में कुछ निर्णय लिए जाएं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आम नागरिक होने के नाते बता रहा हूँ कि आज तेल देख लीजिए आप 130 रुपये लीटर मिल रहा है, जबकि आप साल भर पीछे यदि चले जाएँ तो 80, 90, 85 रुपये मिलता था।
तो इतनी महंगाई मतलब बढ़ रही है, तो एक आम लोग जो है, एक मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति है उसका तो पूरी तरह से मरण है। हम ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो, महंगाई कम होगी। आज देखो हमें मजदूरी भी इतनी नहीं मिलती, मैं मजबूर हूँ एयरफोन बेचने पे, ग्रेजुएशन करके हूँ मैं, लेकिन आज एयरफोन बेच रहा हूँ मैं। कोरोना काल में बजट जो नया आ रहा है उससे बहुत उम्मीदें करते हैं, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, मध्यम वर्ग उस महंगाई में पिसता जा रहा है, तो मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि अब की या निर्मला सीतारमण जी से कि ऐसा बजट आए कि जिसमें मध्यम वर्ग जो है राहत की सांस महसूस कर सके, खास करके पेंशनर्स जो लोग हैं, जो पेंशन जिनको मिलती है वो बहुत परेशान है, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, बुढ़ापे में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, बजट में ऐसा प्रावधान करें कि उनको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाए बजट के माध्यम से, कि फाइनेंशियली या मेडिकली, तो ये उम्मीद तो नेचुरली की जा सकती है कि बजट ऐसा आए कि सबको राहत दे। मैं तो ये कहूँगा कि जो रेट चल रहा है वर्तमान में वही रेट रखे जाए, कोई अतिरिक्त कर न बढ़े, कोई अतिरिक्त ये न बढ़े, वो ज़्यादा बेटर है। मतलब मेरा ये सुझाव है शासन से, आग्रह करना चाहूँगा कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनसे जितना भी ज़्यादा उनके लिए यदि सरकार बजट में प्रावधान रखे तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो मतलब एक आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना, मतलब अपन एक साधारण आदमी के खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाती है, कन्वेंस की प्रॉब्लम होगी, पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, तो उसमें अपन कैसे मैनेज करेंगे, और जो मतलब रिटायर्ड पर्सन्स हैं या मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे ने किचन के हिसाब से ऑयल ही कितना महंगा हो चुका है, पर वो गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा है इस समय, मतलब आम जनता के लिए तो जीना मुश्किल होता जा रहा है ना इस तरह से। तो बजट में ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि एक जो नॉर्मल इंसान है वो जी खाने पीने की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो तो थोड़ी सी कम रेट में हो, ताकि अपना जीवन लोग। मैं बजट से ये उम्मीद करता हूँ कि जो हम बेरोजगार युवा है उनके लिए कुछ रोजगार के अवसर प्राप्त हों, जिससे हमें रोजगार मिले और देश की जो युवा पीढ़ी है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करे और उन्नति की राह पे देश को ले चले। हमको इस बजट के लेके ये उम्मीद है कि भाई डीजल के रेट कम होना चाहिए और कृषि उपकरण के रेट कम होना चाहिए, बीज के रेट कम होना चाहिए, खाद बीज के रेट कम होना चाहिए, थोड़ी सी GST में राहत मिलना चाहिए, क्योंकि काश्तकार को हर चीज़ पे GST लगती है, कपड़ा है, डीजल है, ये है, वो है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मार्केट से ख़रीदने पे 3 बार GST लगती है, जिसमें काश्तकार को बहुत सारा व्यय करना पड़ता है। जी बजट की बात, तो बजट तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। जैसे उदाहरण के लिए मेरी छोटी सी रसोई को ही लेके बात की जाए तो रसोई में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई है अभी कि महंगाई की वजह से हम मध्यम वर्ग परिवार की जो महिला है उनको अपना बजट मिलाने का, महीने भर का जो बजट रहता है उसको मिलाने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बजट सत्र को लेकर तो हमारी महिला बहनों से बस एक ही शासन से अपेक्षा रखती है कि हमारे रसोई का जो तालमेल है वो पहले जैसा मिला रहे, क्योंकि छोटे वर्ग मध्यम वर्ग के परिवार को इस मतलब 2-2, 10-10 रुपए की चीज़ों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उसका सामना करना पड़ता है। वही महंगाई दर थोड़ी कम हो जाए तो हम हमारे घर का मैनेजमेंट अच्छे से चला पाए। आम बजट से लोगों की उम्मीदें बहुत है, जनता की राय हमने सुनी, बेरोजगारों को रोजगार की उम्मीद है, किसान को भी राहत की उम्मीद है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।